खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पर मिलने गए थे एसआईटी में रिगार्डिंग दिस 1984 सिख रायट्स, ऊपर क्या हुआ, क्या मामला है? उन्होंने हमने जो इस एसआईटी के चेयरमैन हैं मिस्टर अनुराग जी, हमने उनको सारा अपना केस बताया, उनको ऑर्डर दिखाए, उन्होंने बताया कि उन्होंने ये ऑर्डर रिसीव कर लिए होम मिनिस्ट्री से, दे आर इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स और इसके केस के ऑर्डर्स, विटनेसेस हमने बताया कि दो हमारे विटनेस जो हैं उनको डिस्पोज, उनकी विटनेस दर्ज की जाए और कमलनाथ का 601/84 FIR खोली जाए और उसको रीइन्वेस्टिगेट करके, क्योंकि कोर्ट अब आपको ऑर्डर मिल गया मिनिस्ट्री से, तो उन्होंने कहा वी आर इन प्रोसेस ऑफ इट, फ्यू डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, फ्यू विटनेसेस के, जो उन्होंने कहा आपके अपने विटनेसेस हमें बताएं, हम आप उनकी डिटेल्स हमें दें, हम उनको भी बुलाएंगे, उनके बयान भी दर्ज करेंगे और उसके अलावा जो डिस्पोज हुआ था जब ये केस, उसके दौरान जो विटनेस है उनको भी सबको लिया जाएगा। और लेकिन जो उन्होंने लास्ट में श्योर किया कि इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इस केस को हम रीओपन कर रहे हैं और करके इसके कमलनाथ का क्या रोल था वो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सबसे पहला प्राइमरी जो अब हमारा फोकस है वो इस केस के ऊपर और इस केस के अंदर कमलनाथ का रोल हम लोगों के सामने लेके आएंगे। और वो जो दो विटनेसेस की बात है, वो उन्होंने जो बुक लिखी है संजय सूरी ने, तो उसको हमने बताया कि देखिए इसमें ना दो सर्कमस्टांसेस एविडेंस भी सामने आए हैं ड्यूरिंग द ट्रायल। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज सामने आई कि देखिए कमलनाथ ने ये तो गवाही में देते हुए माना था कि मैं रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर गया था लेकिन मैं वायलेंस को रोकने के लिए गया था। अब एक नया खुलासा सामने आया कि जो लोगों की ट्रायल हुई है, जो डिस्चार्ज हो गए, जब उनके पते मिले, जब उनसे पूछा गया तुम कहाँ पे थे, तो वो पता लगा कि वो कमलनाथ के घर पर रह रहे थे। ये कमाल की सिचुएशन है कि जो लोग कमलनाथ के घर पर रह रहे हैं और वायलेंस करने गए हैं और कमलनाथ कह रहा है कि मैं वायलेंस रोकने के लिए गया था। एक ही घर से लोग निकलते हैं, एक आठ पांच लोग कत्लेआम करने के लिए जाते हैं और एक आदमी कत्लेआम रोकने के लिए जाता है। ये सबसे मतलब मजाक हो गया एक देश के अंदर। दूसरी बात, क्योंकि वो लोग इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर केस चला, इनसफिशिएंट एविडेंस के चक्कर में वो डिस्चार्ज हो गए, लेकिन उस केस के अंदर कमलनाथ का भी तभी ट्रायल होनी चाहिए थी क्योंकि कमलनाथ का भी वहां पे मौके पर मौजूद था। और बड़ा कोर्ट का लॉ, बड़ा स्टेट है इस देश का कि जो भी आदमी मौके पर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन वो बाहर निकल सकता था, लेकिन पुलिस ने उसको इनिशियल स्टेज पर यह कहकर छोड़ दिया कि ये तो वहां पर लड़ाई छुड़ाने गया था या वहां पर वायलेंस को रोकने गया था। और सर कुछ बताया अगली मीटिंग कब है? देखिए हमें वक्त का तो उन्होंने हमें बताया कि वो बहुत जल्दी बड़ी तेजी से इस काम के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी साल हो चुके हैं जी। लेकिन इस ऑर्डर के आने से पहले कभी कोई तरीका नहीं था कमलनाथ का केस खोलने का, कोई तरीका नहीं बचा था। ये एक तरीका था जो होम मिनिस्ट्री ने अब ये अलाउ कर दिया है। अब ये केस कमलनाथ का खुल रहा है और खुलने पर कमलनाथ के खिलाफ सफिशियंट एविडेंस है टू नेल हिम। अब कमलनाथ को भी कुछ ही दिनों के अंदर उसकी राहत है और कुछ दिनों के बाद वो भी जेल में साथी होगा सज्जन कुमार। टाइम फ्रेम कुछ नहीं है, टाइम फ्रेम आप मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा दो महीने, यानी आप कह रहे हैं दो महीने के बाद दो मिला लो, तीन लगा लो मैक्सिमम अगर कहोगे तो तीन लगा लो, बस दैट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड। क्योंकि ये सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो गवाह हैं वो सामने हैं, जो नए गवाहों की लिस्ट है वो भी हम प्रोवाइड करें, तो एवरीथिंग इज देयर ऑन द रिकॉर्ड, बस उनको रिकॉर्ड ही तो करना है, इन्वेस्टिगेशन तो आधी हुई पड़ी उसको पूरा ही तो करना है। बहुत जल्दी इस मामले के अंदर बहुत बड़ा एक जो है हमारे लिए जीत होगी, कमलनाथ और इंसाफ पसंद लोगों के लिए जीत होगी, जब कमलनाथ जो कि आज का सिटिंग मुख्यमंत्री उसको रिवॉर्ड मिला 1984 का कत्लेआम कराने के लिए वो जेल में होगा।